खाजूवाला क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर से आए टिड्डी दल ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खाजूवाला क्षेत्र में टिड्डी का टेरर लगातार जारी है। किसान खेतों में डीजे बजाकर टिड्डी को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। टिड्डी से परेशान हुए किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने व समय रहते टिड्डी पर नियंत्रण पाने की मांग की है। टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लेने खाजूवाला के पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने भी टिड्डी प्रभावित एक दर्जन से अधिक गांवों व चकों का दौरा कर किसानों से रूबरू हुए। खेतों में टिड्डियों द्वारा हो रहे नुकसान को लेकर अब राजनीति भी हावी हो गई है। विपक्ष इस समय राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार में नियुक्त टिड्डी नियंत्रण विभाग भी इस पूरे मामले से बेखबर है। की तरफ से आ रही बड़ी संख्या में टिड्डियों का टेरर लगातार जारी है। खाजूवाला क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातार भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के दर्जनों चक्कों में लगातार टिड्डियों का झुंड देखा जा रहा है। लगातार आ रही करोड़ों की संख्या में टिड्डियों से खेतों में खड़ी नरमे, ग्वार व मूंग की फसल खराब हो रही है। आप इस समय देख सकते हैं घर के पूरे परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे थाली व पिंपे बजाकर खेतों में खड़ी नरमे की फसल को बचाने की जुगत कर रहे हैं, तो वहीं ट्रैक्टरों को माध्यम से इन खेतों में फसल बचाने का प्रयास किसानों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार खेतों में खड़ी फसलें जो खराब हो रही है, टिड्डियों के झुंड से लगातार फसलों को काटा जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये देखिए मोटरसाइकिल के द्वारा खेतों में टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। दो दिनों से लगातार खेतों में आ रही टिड्डियों से भारी संख्या में यहाँ पर नरमे की फसल को नुकसान हुआ है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, बात करें अगर खाजूवाला तहसीलदार सूरज विनोद गोदारा भी मौके पर पहुंचे हैं और पटवारियों द्वारा यहां पर मौका मुआयना भी करवाया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश भी है कि इनका मुआवजा राशि किसानों को नहीं मिल रही है। लगातार खेतों में आ रही टिड्डियों से भारी नुकसान इस समय खेतों में देख रहे हैं, यहाँ पर किसान भी मौजूद है। ये जो टिड्डियाँ खेतों में आ रही है किस तरीके का नुकसान कर रही है? जी ऐसा है, कल से भारी मात्रा में आ रही है ये टिड्डियाँ और मेरे खेत में लगभग 50-60 बीघा मेरे पास खेती है, 25 बीघा नरमा बिल्कुल नष्ट कर दिया इन्होंने और बाकी दवाई छिड़काव है और नहीं हो रही है। मेरी सरकार से यही विनती है कि तुरंत प्रभाव से जो साधन मंगवाकर इन टिड्डियों को मारा जाए। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि यहाँ पे कोई साधन मंगवाकर इन टिड्डियों को कंट्रोल किया जाए। दो दिनों से इस जगह पर टिड्डियों ने पड़ाव डाल रखा है, क्या प्रशासन से आपने कोई सूचना दी है जिस तरीके से खेतों में टिड्डियों द्वारा नुकसान पहुँचाया जा रहा है? नुकसान बहुत भारी है जी, टिड्डियाँ बहुत भारी है, नुकसान बहुत है। सब डंडा बना दिया, नरमों से सारा खा गया, गणा बाजा बच्चा बाजन लग रहा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर सब कोई इसके समा पाने होनी चाहिए, इसके मारने के लिए दवाई पानी होनी चाहिए जहाँ की कष्ट करो। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि इसके कंट्रोल को इसको नियंत्रण करने के लिए ऐसे संसाधन होने चाहिए। हालांकि हमारी बात खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल से हुई तो उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को इसके संबंधित जानकारी देकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी करवाए जाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात है कि किसानों के खेतों में इस समय जो आप नुकसान देख रहे हैं उसकी नुकसान की भरपाई कब तक हो पाएगी। हालांकि किसान ये उम्मीद लगाया बैठा है कि इस बार अच्छा पानी, सिंचाई पानी मिलने के कारण इस क्षेत्र के अंदर 20 वर्षों के बाद कॉटन की बिजाई हुई, नरमे की फसल लहरा रही है, लेकिन इन टिड्डियों ने किसान के खेतों में फसलों को बर्बाद कर दिया है। हालांकि अभी सिंचाई ये जो तहसीलदार हैं या खाजूवाला प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर पहुंचते हैं, सर्वे किया जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि कब तक इन किसानों को राहत मिलेगी।